हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अम्बिशियस बाबा डॉट कॉम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जीके रिवीजन सीरीज शुरू हो चुका है फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर, और आज हमारी 7वीं क्लास है। और इस क्लास में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS का नोटिफिकेशन आ चुका है, और जो भी PU एंड क्लर्क के जो मेन्स एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। सो आपके 18 तारीख को होने वाले पेपर अब होंगे आई थिंक अराउंड 31st, बिकॉज 24th को भारत में दुर्गा पूजा चलेगी। तो इस हिसाब से हमने हमारे रिविजन शेड्यूल को चेंज किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारा नया शेड्यूल क्या है। तो अभी तक के 6 क्लासेस में जो कि हुए थे फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 11th ऑफ अक्टूबर, उसमें हमने आपको रिवाइज कराया है अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स, समिट कॉन्फ्रेंसेज एंड ब्रांड एम्बेसडर्स, लोन्स अग्रीमेंट फॉर इंडिया फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रैंकिंग इंडेक्स, और आज हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट कमिटीज। इसके अलावा हमारी जो अगली क्लासेस हैं वो अल्टरनेटिव डेज होगी, यानी कि 15th अक्टूबर को हम कवर करेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड वेन्यूज़, 17th अक्टूबर को हम कवर करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेस, 19 अक्टूबर को हम कवर करेंगे बैंक्स के नाम, उनके CEO कौन कौन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स क्या है और उनकी टैगलाइन क्या है। इसके अलावा हम ये भी रिवाइज कराएंगे कि कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन कौन हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है और उनकी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिव हैं उनकी लिस्ट क्या है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को जब हमारी 11वीं क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्बिचरीज, बुक एंड ऑथर, और हमारी जो आखिरी क्लास है वो होगी 23 अक्टूबर को, जिसमें हम कवर करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि इम्पॉर्टेंट इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ इन 2019 एंड 20, कौन कौन से साइक्लोन्स एंड टाइफून्स आए हैं वर्ष 2019-20 में, हाल ही में किन किन चीज़ों को GI टैग दिया गया है, किन किन जगहों के नाम बदले गए हैं, और इसके अलावा भारतीय सरकार के कौन कौन से टारगेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए गए हैं वर्ष 2019-20 में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। तो इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी का गठन हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन है, लेकिन हम आपको फिर भी रिवाइज कराएंगे कि उस कमेटी का गठन किस पर्पज़ के लिए हुआ था। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार ने एक ईयर का एक्सटेंशन दिया है कंपनी लॉ कमेटी को, और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश वर्मा। तो चलिए जान लेते हैं कि इस कमेटी का पर्पस क्या था। तो जो कंपनी लॉ कमेटी है वो रिकमेंडेशंस करती कि कैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फंक्शन कर रहा है, और उसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लेके, उसके ऊपर भी वो रिकमेंडेशंस कर रही थी कि कैसे इन्हें सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा हाल ही में गठन हुआ था हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का कमेटी का, जो स्टडी कर रही थी रेवलेशंस इन चाइना वॉचिंग, और इसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, जो कि भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर है ऑन साइबर सिक्योरिटी। एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ था जो चाइना के अगेंस्ट स्टडी कर रही थी, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में ये आया था कि चाइना भारत के 10,000 इंडिविजुअल्स, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स की जो डेटा है वो लोग कलेक्ट कर रही है। तो ये कमेटी का पर्पस ये था कि जो डिजिटल सर्वेलेंस हो रही है बाय चाइना, तो उसे वो इवैल्यूएट करेगी, और उसके अलावा वो ये देखेगी कि इसमें कोई भी वायलेशंस ऑफ लॉ वगैरह है या नहीं, और अपनी रिकमेंडेशंस वो 30 डेज के अंदर हमारी केंद्रीय सरकार को सबमिट करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बैंक बोरोअर्स को रिलीफ देने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, और उसके अध्यक्ष हैं पूर्व CAG राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि की जो एक कमेटी है ये स्टडी करेगी कि हमारी नेशनल इकोनॉमी पे COVID-19 रिलेटेड जो मोरेटेरियम है उसका क्या इम्पैक्ट है, और इसके अलावा अगर मोरेटेरियम का जो इंटरेस्ट है अगर वो वेव किया जाए तो इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च से हमारे केंद्रीय सरकार ने मोरेटेरियम दिया था फॉर 6 मंथ्स, तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिकॉज इसके जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो रहे हैं जिन्होंने लोन लिया है। तो इसके ऊपर इस कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी, और इसके अलावा ये कमेटी सजेस्ट भी करेगी कि कैसे जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है
उसे कैसे मिटिगेट किया जाए, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है हमारी कंट्री का, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इन सब कोविड-19 रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नीति आयोग प्रिपेयर कर रही है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स और इसकी अध्यक्ष है मिस संयुक्ता समदार। तो जो ग्लोबल इंडिसेस है जो रिफॉर्म्स और ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है जिसके तहत ये मेजर किया जाएगा कि भारत की परफॉर्मेंस अलग अलग इम्पॉर्टेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे क्या है, और उसके बाद इन टूल्स को ही यूज़ किया जाएगा फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसके तहत हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें रिफॉर्म्स लाया जा सके, और इसके अलावा हमारा जो लास्ट माइल इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट स्कीम्स का, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगस्त में अलग अलग कमिटीज़ बनाई थी और इसमें बताई गई थी कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पैरामीटर्स बिठाए जाएंगे, और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं केवी कामत। तो आरबीआई ने इस कमेटी का गठन किया था जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स डिसाइड कर रही थी अलग अलग सेक्टर्स के लिए, और उसके अलावा वो स्टडी कर रही थी कि जो भी बेंचमार्क रेंजेस हैं इन पैरामीटर्स के, और उसके बाद ये जो कमेटी है ये अंडरटेक करेगी एक प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर बोरोवर अकाउंट अबव स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड। यानी कि ये जो केवी कामत की कमेटी है, ये जो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो लोग भी लोन लेंगे उनके लिए पैरामीटर्स सेट करेगी। इसके अलावा हाल ही में एक कमेटी का गठन हुआ था जो कि कर रही थी प्लान टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस, और इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह चेयरमैन हैं एट इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स। तो हमारी सेंटर्स अथॉरिटी है IFSCA ने एक पैनल का गठन किया था जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे जो फॉर्मुलेट कर रहे थे एक प्लान कि कैसे हमारा जो इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस है उसे डेवलप किया जाए एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इसके अलावा एक कमेटी का गठन हुआ था जो कि सीलिंग रेट फिक्स कर रही थी अंडर द ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, और इसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड सेक्रेटरी जेके पिल्ले। तो इस कमेटी का गठन इसीलिए हुआ था फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस अंडर द रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स सच एज ड्यूटी ऑन पावर चार्जेस, वैट ऑन फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन, फार्म सेक्टर, कैप्टिव पावर जनरेशन, मंडी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल। ये सब चीज़ें जो भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही थी वुड मेक इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट्स। तो इसके लिए एक सीलिंग बिठाई गई थी कि ये सब जो एक्सपेंसेस है उसे किस हिसाब से रीइंबर्स किया जाए। इसके अलावा कोझिकोड प्लेन क्रैश के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष है कैप्टन SS चाहर। तो ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ उसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने एक 5 मेंबर का पैनल बिठाया था जो इंक्वायर कर रही थी कि क्या सर्कमस्टेंसेस रहे जिससे केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट में प्लेन क्रैश हुआ था। इसके अलावा हाल ही में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष है रमेश चंद, और ये कमेटी चर्चा कर रही थी कि शुगर केन प्राइसेस और शुगर रेट में क्या लिंक है। तो नीति आयोग के जो मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि गन्ने और शुगर इंडस्ट्रीज़ के जो प्राइसेस है वो आपस में लिंक कर दिए जाए, इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेट मेंटेन रहेंगी शुगर इंडस्ट्री की, और इसके अलावा जो भी गन्ने के किसान हैं वो अपने अरियर्स क्लियर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में हमारी सरकार ने हाल ही में 57,128 करोड़ का जो डिविडेंड है गवर्नमेंट को वो अप्रूव किया है RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने। तो RBI ने 13 अगस्त को अप्रूव किया है डिविडेंड ऑफ 57,128 करोड़ टू दी गवर्नमेंट, और ये डिसीजन लिया गया था जब RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है उनकी मीटिंग हुई थी 13 अगस्त को, और इसमें चेयरमैन थे गवर्नर शक्तिकांता दास। इसके अलावा कमेटी का गठन हुआ था फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, और इनके अध्यक्ष है राजेश वर्मा। तो ये जो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है ये क्लोजली काम करेगी विद मार्केट रेगुलेटर SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके साथ वो इम्प्लीमेंट करेंगी बिजनेस रिपोर्टिंग
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फ्रेमवर्क इन द कंट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। जुलाई 2020 में एनवायरमेंटल रूल्स के वायलेशन के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था और इनके अध्यक्ष थे अनिल कुमार झा। तो ये जो पैनल है, ये जो भी जिन भी प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल गई है और उसके बाद उन्हें एज टर्म्स ऑफ केसेस ऑफ वायलेशन माना गया है, उसके ऊपर ये कमेटी अपने सुझाव देगी। इस पैनल का गठन हुआ था वर्ष 2017 में 3 वर्षों के लिए और हाल ही में इन्हें जून 2021 तक इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड के एनालिसिस के लिए कमेटी का गठन हुआ था और इनके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर दीपक बी फाटक। तो ये जो कमेटी है ये रिकमेंड कर रही थी कि कैसे QR कोड्स जो है उन्हें इंटर ऑपरेबल बनाया जाए, क्योंकि जो QR कोड्स है आजकल वाइडली यूज होते हैं बिल्स के पेमेंट में, फूल में, ग्रॉसरी में, फूड्स में, ट्रैवल में और बाकी अदर कैटेगरीज में। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। तो ये जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के, ये सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ प्रोवाइड करेंगे इनसाइट्स कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर, और उसके अलावा उन सब इश्यूज पे चर्चा की जाएगी जो रिलेटेड हैं टू द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा ये जो कमेटी है ये इनपुट प्रोवाइड करेगी अलग अलग यूजर्स के पर्सपेक्टिव से, प्रिपेरर्स के पर्सपेक्टिव से और ऑडिटर्स के पर्सपेक्टिव से विथ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सेबी की जो रेजिक्स एडवाइजरी है उनकी अध्यक्ष हुई है उषा थोरट। तो सेबी ने रिवैम्प किया है अपनी कमेटी जो कि कैपिटल मार्केट को एडवाइज़ कर रही है ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और इससे पहले 2013 में इस पैनल में 15 मेंबर थे और तब उनके अध्यक्ष थे जानकी वल्लभ जो कि है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI। इसके अलावा पैंडेमिक रिस्क पूल जो कमेटी है उसके अध्यक्ष है सुरेश माथुर। और ये जो COVID-19 पैंडेमिक है ये शुरू किया गया था एज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस और उसके साथ साथ इसने हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रप्शन किया है, बिकॉज ऐसे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे थे ताकि बीमारी को रोका जा सके। तो इसीलिए भारत में लगभग 2.5 महीने का लॉकडाउन था, तो उसी के ऊपर स्टडी कर रही थी पैंडेमिक रिस्क। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स एंड फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं KS रेड्डी। ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये इम्पैक्ट ये स्टडी करेगी इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल, स्पेशली जो हमारे मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर सेलिंग श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी टू कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके अध्यक्ष हैं जी श्रीनिवासन। तो हाल ही में IRDAI ने कमेटी का गठन किया है आफ्टर दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिक्वेस्ट किया है एक पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए, जिसके तहत वो कॉन्ट्रैक्टर्स को श्योरिटी बॉन्ड ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल कमेटी का गठन किया गया था फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ जिनके अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह। ये जो कमेटी है इसमें कई सारे लीडिंग लीगल अकेडमिशियंस शामिल हैं इनके बोर्ड में, और इसके अलावा ये लोगों से ओपिनियंस ऑनलाइन भी गैदर कर रहे हैं, जो उसके बाद वो कंसल्टेंट्स और एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करेंगे और उसके बाद मटेरियल कलेक्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट को एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे टू दी जून 2020। तो हाल ही में IBBI एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष हैं TV मोहनदास भाई। ये जो 12 मेंबर का पैनल है ये एडवाइस करेगी और इसके साथ साथ प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि डील कर रहे हैं विद IBBI। और इसके अलावा ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनमें इंक्लूडेड हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटीज। MSME लोन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के अध्यक्ष हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और इस कमेटी का गठन इसीलिए हुआ था कि कोई भी जो प्रॉब्लम आती है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन स्कीम फॉर MSME
वो कमेटी सॉल्व करेगी। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं जय किशन रेड्डी। जो हमारा मंत्रालय है उनके पास एक सेपरेट डिवीजन है, जिसके तहत जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है जो जिंदा है और उनकी फैमिलीज है, उनके लिए एक अलग डिवीजन बनाया गया है। और ये कमेटी का मकसद यही है कि इन लोगों को पेंशन प्रोवाइड किया जाए टाइम टू टाइम, और इसमें 30,000 फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज शामिल हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक के जो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं उन्हें रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PK मोहंती। तो इस कमेटी का पर्पस यही था कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और उनके पास जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस है उसे एग्जामिन किया जाएगा, और उसके साथ साथ इनके ऊपर जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है उसे भी रिव्यू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम केयर्स के ट्रस्टीज़ के लिए एक कमेटी का हाल ही में गठन हुआ था, जिनके अध्यक्ष हैं सुनील कुमार गुप्ता। तो ट्रस्टीज़ ऑफ पीएम केयर्स फंड ने हाल ही में अपॉइंट किया है SARC एंड एसोसिएट को अपने ऑडिटर एज द ऑडिटर ऑफ द पीएम केयर्स फंड। इसके अलावा हाल ही में IBBI ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है अपने एडवाइजरी पैनल को ऑन कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और इनके अध्यक्ष हैं उदय कोटक। तो ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये एडवाइज करेगी और उसके साथ साथ प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम IBBI, और इसके साथ साथ ये उन मुद्दों पे बात करेगी विच इज़ रिलेटेड टू कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन, जो कि डील किया जा रहा है बाय द बोर्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके अलावा सेबी पैनल ने सजेस्ट किया है मेजर्स टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट रिकवरी एंड मैकेनिज्म, और उसके अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज अनिल दवे। तो इस कमेटी का गठन इसीलिए हुआ था कि वो एग्जामिन करे इंसॉल्वेंसी रिकवरी एंड सिक्योरिटी लॉज को, जो कि ज्यूरिसप्रूडेंस है ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, और उसके साथ साथ वो सूटेबल चेंजेस सजेस्ट करें इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके तहत जो हमारा जो इंसॉल्वेंसी लॉ है वो सिर्फ एज अ रिफ्यूज नहीं लिया जाए बाय द वायोलेटर्स एंड डिफॉल्टर्स, इसके साथ साथ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव रिकमेंडेशंस किए जाएंगे इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी तरह से बचाया जाए और जो डिफॉल्टर्स हैं उन्हें कोई भी रिफ्यूज ना हासिल हो। इसके अलावा हाल ही में आसाम गैस लीक के लिए कमेटी का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस BP काटके। तो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक इंटरिम पेनल्टी 25 करोड़ की दी है टू द PSU मेजर ऑयल इंडिया, बिकॉज आसाम में जो गैस लीक हुआ था उसमें वो फेल हो गए थे उसे स्टॉप करने में, और जो आसाम का बगजान ऑयल वेल है उसने काफ़ी ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया था। अब पढ़ते हैं टू May 2020। तो हाल ही में इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष है राजेश भूषण। ये एक हाई लेवल कमेटी थी जिसमें कई सारे एक्सपर्ट शामिल थे, और इसे हमारी सरकार ने फॉर्म किया था, जिसके तहत जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाया जाए, और उसके साथ साथ ये जो भी अप्रूवल प्रोसेस है इसमें उसे फास्ट ट्रैक किया जाए। इसके अलावा हाल ही में जो क्रिकेट में जो बॉल यूज़ होता है उसमें सलाइवा यूज़ होता है उसे शाइन करने के लिए, तो उसके लिए कमेटी का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष हैं अनिल कुंबले। तो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कमेटी ने रिकमेंड किया है कि हाल ही में COVID-19 के इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए जो क्रिकेट बॉल है उसमें सलाइवा यूज़ नहीं होगा उसे शाइन करने के लिए। तो ये जो प्रैक्टिस है ये यूज़ की जा रही थी फॉर स्विंग बोलिंग, और अब इसे प्राइमरीली और टेम्परेली बंद कर दिया गया है, बिकॉज इससे बहुत बड़ा हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है ड्यू टू COVID-19। इसे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के किया गया है। अब बढ़ते हैं फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, जिनके अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखटकर। तो इस कमेटी का गठन इसीलिए हुआ था ताकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसे स्पीड अप किया जाए, और उसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन बॉर्डर एरियाज़ में किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में वाइजैक का जो गैस लीक हुआ था उसके लिए कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं नीरव कुमार प्रसाद। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने 16 मई को एक 5 मेंबर हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जो इन मुद्दों पर खोज कर रही थी कि कैसे जो स्टीरीन गैस है जो कि लीक किया गया था फ्रॉम जी एलजी पॉलीमर प्लांट जो कि हेड आरआर वेंकटपुरम इन विशाखापट्टनम, उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं। 4G इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर को शुरू करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था और जो हेड किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कंप्राइज किया था जिसमें थे जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी एंड बीआर गवई इस कमेटी में शामिल थे, और इसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी शामिल थे। तो ये जो कमेटी है ये इन मुद्दों पर देख रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में 4G सर्विसेज जो बंद है उसे शुरू किया जाए और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे पिटिशनर्स ने डिमांड किया था कि जो एक साल से 4G सर्विसेज बंद है उसे रिस्टोर किया जाए उस वैली में। इसके अलावा पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन हुआ था जिनके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। तो ये जो मेंबर्स है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, ये हर वर्ष इलेक्ट किए जाते हैं। ये 22 मेंबर का पैनल है जिसमें 15 मेंबर है लोकसभा से और 7 मेंबर्स है राज्यसभा से। तो ये जो PAC कमेटी है यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एग्जामिन करती है अकाउंट्स और इसमें ये अप्रोप्रिएट करती है कि जो भी हमारी पार्लियामेंट सम्स ग्रांट कर रही है उसमें कितने एक्सपेंडिचर में गए हैं सरकार के, और इसके अलावा वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हमारी सरकार का ये सब देख रेख करती है उसकी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एक कमेटी का गठन हुआ था जो कि एग्जामिन करेगी द कमेंट्स जो कि रिसीव हुए हैं ऑन द कंसल्टेशन ऑफ पेपर फ्लोटेड, और इसके अध्यक्ष हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक 7 मेंबर कमेटी का गठन किया था जो कि एग्जामिन करेंगी जो कमेंट्स जो रिसीव हुए हैं ऑन द कंसल्टेशन पेपर फ्लोटेड बाय इट, और इसके साथ साथ ये जो पेपर फ्लोट किया गया है इससे जो ऑडिट इंडिपेंडेंस है एंड अकाउंटेबिलिटी है हमारे कंट्री में वो बढ़ जाएगी। तो इस कमेटी का गठन इसीलिए हुआ था कि इसमें जो कमेंट्स आए हैं उसके बेसिस पे क्या रिकमेंडेशंस की जा सकती हैं हमारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज एंड स्टैंडर्ड्स में, जिसके तहत हम ऑडिट इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी हमारे कंट्री में पूरी तरीके से हासिल कर सकें। और इसके अलावा इन पैनल को कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट है वो 30 जून 2020 तक सबमिट करें। और हाल ही में नेशनल शिपिंग बोर्ड ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और इनके अध्यक्ष हैं एक्स डायरेक्टर जनरल शिपिंग ऑफ शिपिंग मालिनी शंकर। तो हाल ही में हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल शिपिंग बोर्ड और जिनकी अध्यक्ष है पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मालिनी शंकर। तो ये जो शिपिंग बोर्ड है ये एक हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है और जितने भी मैटर्स रिलेटेड टू इंडियन शिपिंग है उनके ऊपर ये चर्चा करती है, उसके ऊपर अपनी गवर्निंग बॉडी है इनकी। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना पसंदीदा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेंट्स हो या कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।